नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया वास्तु की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये आप एवरी वेनसडे देख सकते हैं। इसमें हम आपसे वेरियस वास्तु टिप्स शेयर करेंगे और कहाँ पे किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन सबसे पहले हम जो सबसे मेजर होता है वो होता है टॉयलेट, उससे शुरू करते हैं। देखिए, पुराने टाइम में अगर आप देखें तो टॉयलेट्स जो होते थे वो घर के बाहर होते थे, तो कहीं ना कहीं वास्तु की प्रॉब्लम्स उस समय इतनी घर पे नहीं आती थी, क्योंकि टॉयलेट्स को हमारे शास्त्रों में राहु से देखा जाता है। टॉयलेट आपके जिस भी जोन में होगा वो खराब होगा। टॉयलेट सिर्फ तीन जोन्स ऐसी होती हैं जहाँ पे अच्छा होता है, लेकिन जो तीन जोन्स होती हैं वहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारे टॉयलेट्स हो। तो आपको वीडियो के एंड में आपसे मैं शेयर करूंगा कि कौन से जोन में टॉयलेट है, तो आप वहां पे क्या ट्रीटमेंट करिए जिससे कि आपके टॉयलेट से जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो 90-95% खत्म हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉयलेट के फर्स्ट जोन से। अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है तो कहीं ना कहीं जो आपका अट्रैक्शन है, आपके जो अपील है, वो वहां पे प्रॉब्लम आती है। दूसरी जोन होती है मनी की जोन, वो होती है नॉर्थ। अगर आपके नॉर्थ में टॉयलेट आ जाता है तो आपकी जो मनी अपॉर्चुनिटीज होती है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है और आपको एकदम से लॉसेस होना शुरू होंगे अपने बिजनेस में। अगर आप एकदम से आपके लॉसेस होना शुरू हुए तो आप देखेंगे कि आपके टॉयलेट जो हैं वो नॉर्थ में हैं। तीसरा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ज़रूर होगा। चौथी जोन है नॉर्थ ईस्ट। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो हमारे शास्त्रों में सबसे ही ज़्यादा प्योर जोन मानी जाती है। इसको हम ईशान कोण भी कहते हैं। ये होता है क्लैरिटी के लिए, माइंड क्लैरिटी के लिए, कि जहाँ पे आपका माइंड एकदम क्लियर रहे, आपके थॉट्स बहुत अच्छे आएँ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में हमेशा कन्फ्यूजन चलती है, आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स चलती हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट होगा। नेक्स्ट जोन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, विच इज़ ENE। देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपके टॉयलेट है तो आपके घर में चाहे कुछ भी हो जाए खुशियाँ नहीं होंगी। आपके घर में लोग उदास होने के बाद ना खुश नहीं रहेंगे, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। कहीं ना कहीं घर के अंदर आते ही आपको उदासी मिलेगी अगर आपके जोन में प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है ईस्ट जोन। अगर आपके ईस्ट जोन में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपके जो सोशल कनेक्शंस होते हैं, आपके जो गवर्नमेंट से लिंक्स होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। बिकॉज ईस्ट जो होता है वो सूर्य का जोन है और जब भी यहाँ पे राहु का मिलन होगा तो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स आना बनती ही बनती है। इसके बाद आता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये एंजाइटी का जोन है। अगर यहाँ पे टॉयलेट माना हुआ तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। ये उस पहली जोन में से है जहाँ पे टॉयलेट अच्छा है। बिकॉज अगर आप टॉयलेट यहाँ पे रखेंगे, आपका जो पॉट है यहाँ पे रखेंगे, तो जितनी बारी वो फ्लश होगा, जितनी बारी वहाँ पे डिस्पोजल होगा, उतनी बारी आपके घर से एंजाइटी दूर होगी। आपके घर में जो बार बार टेंशन होती हैं किसी भी टॉपिक्स को लेके, वो ख़त्म होगी। इसके बाद आता है साउथ ऑफ ईस्ट। इसको हम लिक्विडिटी का जोन मानना जाता है। अगर आपके यहाँ पे टॉयलेट हुआ तो आपके आप किसी को भी पैसे देंगे वो खटेंगे। दूसरा, अगर आप किसी को भी पैसे क्या दें, आप कुछ भी दें, वो आपके वापस आने की उसकी उम्मीद बहुत कम होती है। इसके अलावा आपके खर्चे जो होते हैं वो नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, कि आपके पास जितना आएगा नहीं उससे ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। देखिए, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट होगा तो आपका जो पावर होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो बहुत कम होगा। उसके बाद आता है साउथ। साउथ में अगर आपके टॉयलेट है तो आपका जो नाम है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, उसमें प्रॉब्लम्स आएगी। उसके अंदर कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट जोन, विच इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। देखिए, इस जोन को बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज ये जो जोन है वही डिस्पोजल का जोन है, तो आपकी जितनी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी फ्लश आउट हो जाएंगी अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट। देखिए, साउथ वेस्ट में अगर आपके टॉयलेट है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो चाहिए आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स हो, आपके किसी से भी रिलेशनशिप्स हो, आपके उसमें प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही साथ आपकी जो स्किल है, आप उस स्किल को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपने जितनी भी स्टडीज करी हैं, आप जिस चीज़ में माहिर हैं, आपको उसकी वजह से कभी भी फायदा नहीं होगा। इसके बाद आता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये जो जोन होता है ये एजुकेशन का जोन होता है, ये सेविंग्स का जोन होता है। आप देखेंगे कि आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, प्लस आपकी सेविंग्स हमेशा ही ख़त्म हो जाएंगी, आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है वेस्ट का जोन। और वेस्ट का जोन जो होता है वो होता है गेंस इन प्रॉफिट्स के लिए। आपकी जितनी भी इनकम आती है, आप जितना भी फ़ायदा आता है आपकी लाइफ में, वो वेस्ट से आता है।
सो अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो आपके गेन्स एंड प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। देखिए, अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, ये एक तीसरी और आखिरी जोन है जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन से बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि आप जितनी बारी वहाँ पे डिस्पोजल होगा उतनी बारी आपका डिप्रेशन डिस्पोज ऑफ होगा। सो यहाँ पे टॉयलेट होना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट जोन। देखिए, ये एक सपोर्ट का जोन है। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गया तो आपको जब भी किसी की ज़रूरत होगी, आपको जब भी किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, वो बंदा लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर जाएगा। आपको किसी की भी मदद, किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, या मिलेगी ही नहीं इनफैक्ट। और ये खाली आपको हेल्प वहाँ से नहीं, इनफैक्ट आपको जो बैंक से सपोर्ट मिलती है, अगर आप लोन्स आपके अटक रहे हैं बार बार, तो देखिए आपके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है या कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। अब चलिए हम बात करते हैं इनके उपाय की। देखिए, जो नॉर्थ का एरिया है, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, अगर इसमें टॉयलेट है तो आप यहाँ पे ब्लू टेप अपने टॉयलेट के आसपास लगा दीजिए, उससे इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम होंगे। और साथ ही साथ इसमें एक टॉयलेट पैसिफायर होता है, जिससे कि टॉयलेट के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ख़त्म होते हैं, वो लगाइए, जो आप पॉट के दोनों तरफ लगाएंगे। इसके बाद आता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ई एस ई, विच इज़ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये ग्रीन जोन होता है। यहाँ पर आप ग्रीन कलर के टेप लगाइए, और जो टेप हो ये हर जगह पे 4 इंच की मिनिमम हो, ये लगाइए, और साथ में टॉयलेट पेसिफायर्स भी लगाइए। अगर आपका टॉयलेट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट या साउथ में आता है, तो यहाँ पे आप रेड कलर की टेप लगाइए। और यही अगर आपका टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में आता है, तो यहाँ पे आप येल्लो कलर की टेप लगाइए। और अगर आपका टॉयलेट वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में आता है, तो यहाँ पे आप वाइट कलर की टेप लगाइए। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि आप इन सब जोन्स में जब आप टेप लगाएंगे, एक तो वो 4 इंच की टेप होए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि टॉयलेट के जो पॉट होता है उसके दोनों तरफ में आपको पैसिफायर जरूर लगाना है। जो ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं, ये आपके जो नेगेटिव एनर्जीज आती हैं टॉयलेट से उसको रोकते हैं। लेकिन हाँ, ये पैसिफायर्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में जो आ रहे हैं वो डुप्लीकेट्स भी आते हैं। जैसे आपके स्टोन्स डुप्लीकेट आते हैं, तो ये भी डुप्लीकेट्स आते हैं। तो ये आप किसी भी अपने जो वास्तुशास्त्र में होते हैं या किसी जान पहचान वाले से ही लीजिए, जिसको आपको पता है कि ये डुप्लीकेट नहीं होगा, और वो आपको एक्टिवेट करके देंगे। बिकॉज इन डिवाइसेस को आप ऐसे लगा देंगे तो वो फर्क नहीं करेंगे, इनको एक्टिवेट करना भी ज़रूरी होता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।